गुड मॉर्निंग राधे राधे। हेलो गाइस, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती दिव्या लिविंग टुडे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मेरा नाम है दिव्या तिवारी। तो बताइए कैसे हैं? अभी मॉर्निंग का टाइम है और मौसम भी हो गया ख़राब। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही मतलब कि गर्मी में बरसात, बरसात में गर्मी और ठंडी में मतलब कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप लोगों से तो मैं बताती हूँ कि कलयुग कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गई, पूजा करके मंदिर गई थी। और कभी कभी अगर समय लगता है तो मैं चली जाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है जाना। वैसे तो सबको अच्छा लगता होगा ना मंदिर जाना, बहुत मन को शांति मिलती है। और मैं आ गई और साथ में ये लोग भी गई थी, पूजा और सिद्धि, मेरी दोनों बेटी जो गई थी। तो हम लोग आ गए पूजा करके। और ये बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे ये बहुत पसंद था तो मैं ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये ख़रीद लिया। ये लॉकेट है महादेव जी का। तो ख़रीद के रखी थी पर आज सोची कि मैं लगा लूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आप लोग देख सकते हैं कि कितना मतलब कि मोटा मोटा कंबल है, मैंने धो दिया था पर मुझे नहीं पता था कि अचानक से बारिश हो जाएगी। और बारिश देखिए कि पूरा सीढ़ी भींगा हुआ है और मतलब सोच में पड़ गया कि अब कैसे सूखेगा। लेकिन हाँ, 3 दिन बाद जाके धूप होगा। और ये देखिए पूरा पूरा गंदा गंदा पानी जो है ऊपर से टपक गया है, पूरा भींग गया है, सब कुछ भींग गया है। बस टेंशन लगा था कि अब तो धो दिए हैं, कैसे सूखेगा। देखिए बादल कैसा काला काला सा लग रहा है। तो मौसम अभी तो ख़राब है इधर का, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो देखिए पूरा सीढ़ी भींगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आके अभी हंस रही है, इसको हंसी आ रहा है प्राची को, है ना प्राची? तो मार खाई है, हाँ पानी तो पड़ा हुआ है। तो बताइए आप क्यों मार खाई हैं, बताइए सबसे। पढ़ाई नहीं कर रही इसलिए, है ना? और बाल खुला करके चल रही है, हमेशा बाल में ऑयलिंग लगा रही है इस वजह से। और यहाँ बैठने लायक भी नहीं है कुछ भी जगह, बहुत पानी पानी हो गया है पूरा बारिश से। तो पढ़ाई क्यों नहीं करती हूँ, मन नहीं लगता है? अभी छुट्टी का एंजॉय कर रही है, एग्जाम पूरा ख़त्म हो गया है। वैसे करती है पढ़ाई, ऐसा बात नहीं है, प्राची पढ़ती है ना प्राची? हाँ। पर अभी इंजॉय कर रही है क्योंकि छुट्टी है अभी, तो रिजल्ट बन रहा है अभी सभी स्कूलों में इधर बिहार में हम लोग की तरफ। तो बोल रही है कि हमेशा तो स्कूल जाना है, ट्यूशन पढ़ना है। अभी बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, देख सकते हैं आप लोग पूरा ये सब भींग गया है सारा सब कुछ। तो नाश्ता हो गया ना? हाँ। तो कहाँ चलना है घूमने? आज हम लोग जंग में जाएंगे। जंग में कि जंगल में? जंगल में। जंगल में चलो, वहाँ पे शेर से दोस्ती कर लेना, है ना? हम जंग में बोल रहे तो आप जंगल में बोल रहे हैं। हमको सुनाई दिया कि जंगल में। हाँ तो जंग अभी नहीं होगा, होने वाला है। अभी तो आजकल हो रहा है बहुत जगह, कभी यहाँ कभी दुर्गाड़ी कभी अब मंदिर। हाँ अष्टकामनी मंदिर, तो वहाँ पे जाएंगे तो ज़रूर ब्लॉग बनाएंगे। तो मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा बाहर से आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए मैं जग में पहुंच चुकी हूं और ये यहाँ पे अष्टकामनी मंदिर है। मैंने एक बार और बोला था आप लोगों से कि बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे ये मंदिर, विक्रमगंज का मंदिर है बिहार में, भोजपुर सॉरी रोहतास का है, ये रोहतास में है। तो आप लोग अगर यहाँ आना होगा तो ज़रूर आके यहाँ पे इस मंदिर में माता का दर्शन, माता जी का दर्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग बहुत गौर से सुन रहे हैं क्योंकि यहाँ फैमिली कुछ ये चल रहा था, बातें हो रही थी इस टॉपिक पे, महाराज जी बात कर रहे थे।
जो कि सास बहू के बारे में था, तो बहुत ध्यान से लोग सुन रहे थे और कुछ कुछ बीच बीच में बातें भी स्टार्ट कर दे रहे थे। तो गाइस वीडियो को मुझे यहाँ एंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करते रहिए। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, राधे राधे।